जी पहाड़ का पानी तो इसमें सभी घाटों का संपर्क तो टूट चुका है और 84 घाट है। अच्छा। सभी घाट संपर्क टूट चुका है, यात्री जो आते हैं उनको दिक्कत हो रही है, आने आने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, नहाने में दिक्कत हो रही है। नाविक भाई हम लोग हैं, दाल रोटी के लिए महंगे हो गए हैं। बस गंगा माता से प्रार्थना करता हूँ कि जान लीजिए तो सबके जीविका चले, यही मेरा है कहना। और क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो पाएंगे, सभी सभी की दिक्कत हो रही है। जैसे नाविक भाई हैं, उनको रोजमर्रा रोज कमाते, कहाँ कहाँ आते कमाते खाते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं हो पाता, उनको दिक्कत है। दुकानदार के लोग दुकान लगाते हैं, उनको जो है दिक्कत हो जाती है। माँ गंगा की आरती होती है, वो ऊपर होने लगी है आजकल, उसमें तो लोग कम आते जाते हैं। दिक्कत तो तमाम दिक्कतें हैं। पानी कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू अभी कल से बढ़ा हुआ है 10 फुट। ये बहुत तेजी में पानी बढ़ रहा है, रोज कम से कम 4 फीट 5 फीट रोज पानी आ रहा है। और यहाँ पे यात्रियों को नहाने धोने का दिक्कत हो रहा है। यहाँ गंगा का पानी बढ़ने से यहाँ के नाव लोगों को बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ रहा है। यहाँ दाल रोटी के लोग महंगे होते चले जा रहे हैं, कोई यहाँ खाने का वो है। और यहाँ से पूरे टोटल घाट, यहाँ 84 घाट है, 84 घाटों में जाने का रास्ता मार्ग सब बंद हो गया है। आने जाने वालों को? जी आने जाने वालों को मार्ग ही बंद हो गया सब, पूरा कुछ बस पूरे घाट का रास्ता एकदम, एक घाट चालू है बस, जहाँ से वो गंगा आरती स्थल सब ऊपर हो रहा है।